जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत आज ग्राउंड में प्रैक्टिस करने आए हुए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब पहुँचे तो कल भी पानी बहुत अधिक हुआ और हम लोग सोचे थे कि पानी निकल गया होगा, परंतु ग्राउंड से पानी नहीं निकला है, वैसे ही ग्राउंड है और एक साइड थोड़ा सा कम पानी है, तो वहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको हम उनका भी मूवमेंट दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे बारिश का देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कहीं ना कहीं अपना जगह जरूर बनाते हैं कि ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस हम लोग का बहुत अधिक ज़रूरत है, एक स्पोर्ट्स प्लेयर की सबसे अधिक खासियत यही है कि वो चाहे बारिश हो चाहे ठंडी पड़े, वो अपने ग्राउंड पे जरूर जाता है। और हमारे गुरुजन भी यही कहते हैं कि आप अपने ग्राउंड पे जाइए, वर्क मत करिए, लेकिन सामने वाला जो वर्क करता है उसके वर्क को देख के आपके मन में उत्साह बढ़ेगा और थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो इसलिए हमेशा से कहा तो ये कही गई कि ग्राउंड में आप जरूर जाएं, वर्कआउट करें। तो आपको पहले दिखाते हैं लड़कों की प्रैक्टिस, उसके बाद दिखाते हैं कि यहाँ कितनी बारिश हुई है, पानी कितना लगा हुआ है। तो ये रहा लड़कों की प्रैक्टिस, पूरे यहाँ पे लड़के अपना छोटे बच्चे हैं ग्राउंड पे आके आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बारिश इतना अधिक हुआ, इतना पानी लगा हुआ है यहाँ पे कि आज प्रैक्टिस करना संभव नहीं है। तो असंभव चीज़ों को ही यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आज पानी इतना अधिक है, बारिश अधिक है कि बच्चे अपनी प्रैक्टिस तो कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी प्रैक्टिस आज नहीं कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस न करने का मेन वजह यही है कि यहाँ पे बहुत अधिक पानी लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं पूरा ग्राउंड में पूरा पानी लगा हुआ है, तो प्रैक्टिस करना यहाँ पे संभव नहीं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस हम लोग जरूर करेंगे। दूसरे एकेडमी जा रहे हैं, एकेडमी में जाके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आपको एक चीज़ बता दूँ, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर सीने में दर्द होता है दौड़ते समय, तो क्या करें कि सीने में दर्द ना हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप गलतियाँ करते हैं इसलिए सीने में दर्द होता है। आप जब शुरुआती रनिंग करने जाते हैं, जब पहली बार आप जाते हैं ग्राउंड में, तो एक हफ्ते के अंदर ये परेशानी आपकी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके बॉडी के वेट को उतना तेज़ी से ग्रोथ नहीं करता है, आपका वजन बढ़ने के कारण जो नस होती है उसमें रक्त का प्रभाव कम हो पाता है, ऑक्सीजन कम आपके चेस्ट को मिलता है, मतलब हृदय को मिलता है, तो इसलिए आपको बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपके सीने में दर्द होता है। दूसरा चीज़ कि आप पहले दिन ग्राउंड पे जाते हैं तेज़ी से दौड़ने जो लगते हैं तो आपके सीने में दर्द होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज को करते रहें और ग्राउंड में जाते समय हल्का 30% स्ट्रेचिंग करें, आपको मैंने वीडियो भी डाल रखा है, उसके बाद तब स्लो मोशन से रनिंग स्टार्ट करें, फिर लॉन्ग रनिंग अच्छे से करें, उसके बाद आप अपना वार्म अप एक्सरसाइज अच्छे से करें, फिर अपना फील्ड वर्कआउट करें, उसके बाद लास्ट में कूलिंग डाउन करना अति आवश्यक है, नहीं तो आपके बॉडी में पेन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपने ग्राउंड में अच्छे से वर्कआउट करिए, हम लोग भी अपने ग्राउंड में वर्कआउट कर रहे हैं, बच्चों को देखिए पानी में ही मजा ले रहे हैं। तो लाइफ है, अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए हर किसी को, लेकिन अपना कर्म करने के बाद ग्राउंड में प्रैक्टिस करिए, अच्छे से वर्कआउट करिए और अपने लाइफ को अच्छा बनाइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं स्पोर्ट्स संबंधी या फिजिकल संबंधी सारे इस वीडियो के माध्यम से मिलते हैं। स्पोर्ट्स भर्ती और इंडियन आर्मी रेलवे जैसे भर्तियों की भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। जय हिंद, जय भारत।